सुर्ख रसीले और मिठास से भरे ये सेब शिमला या कश्मीर के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की चेनानी तहसील में उगाए जा रहे हैं। बागवानी विभाग ने न केवल यहाँ के किसानों को उन्नत प्रजातियों के पौधे मुहैया कराए बल्कि इनकी देखरेख के लिए ट्रेनिंग भी दी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और उन्हें अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले देसी थी, वो अमरी सेब होता था, एक खुरू सेब होता था, वो उसका रंग नहीं होता था। अब जो हाईब्रिड सेब है, ये है राल डिलिशल है, गोल्डन डिलिशल है, डिलिशल है, बाकी अमरीकन है, तो ये अच्छी पैदावार देते हैं मतलब सेब। देखो जी, जहाँ पर तो जो पहले बाहर हम 200-300 रुपए दिन का कमाते थे ना, अब हम अपने घर में 500-600 रुपए एक एक आदमी कमा लेते हैं। इस साल तो बहुत फ्रूट है हमारे पास, ये भी हमारी भी तो छोटी कश्मीर बन गई है इस वक्त। पहले तो कश्मीर में होता था ना, अब हमारी भी छोटी कश्मीर। उधमपुर में किसान पहले सेब की देसी प्रजातियों के साथ साथ सब्जियां उगाते थे, लेकिन मिशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी विभाग ने इन्हें सेब की उन्नत बागवानी से जोड़ा है। इससे यहां न केवल सेब का उत्पादन बढ़ा है बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार से किसानों को पहले के मुकाबले बेहतर कीमत मिलने लगी है। इस बार तो हमारी काफी पैदावार, भाव की वजह से, इन हड़तालों की वजह से हमारी गिरावट आई है, नहीं तो हमारी इस बार तो बहुत अच्छी ऐसी कभी निकली नहीं जितनी पैदावार इस साल है हमारी। सेब का उत्पादन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ा है, लेकिन सेब बागवान सही बाजार और दाम न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। उनकी माने तो उनके हिस्से में आने वाला मुनाफे का बड़ा हिस्सा बिचौलियों के हाथों में चला जाता है। इतना अच्छा सेब हमारे 10 रुपए किलो के हिसाब से जा रहा है, आगे अगर आपको खाना होगा बाजार में आपको 40,000 रुपए किलो मिलेगा। जो बीच में बैठे हैं मुनाफा तो वो ले जाते हैं, मगर फिर भी काम अच्छा हो रहा है। गवर्नमेंट अगर इसका भी कोई प्रोग्राम करे, हमें कोई रेट, अच्छा रेट मिले, मार्केट में हमारा फ्रूट जाए। अब तो हमारे पास नाशपाती देखो, बग्गू देखो, बहुत है, लेकिन उसका रेट नहीं मिल रहा है हमें। सेब की बम्पर उत्पादन के साथ अगर बागवानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर बाजार और उचित कीमत मिले तो यहाँ के बागवानों की आय 2022 तक दोगुना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।